हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ अंजलि कुमारी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं आपकी शेफ अंजलि। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है कुकीज़ पर। आपने कुकीज़ तो कई तरीके के खाए होंगे, बेकरी में जाकर के भी कुकीज़ खाए होंगे, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बेकरी स्टाइल घर में कुकीज़ बनाना आसान है या नहीं? बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसीलिए आज मैंने आपसे कुकीज़ की रेसिपी शेयर की है। वो है कैश्यू कुकीज़, यानी कि काजू की कुकीज़। ये काजू की कुकीज़ इतनी आसान तरीके से मैंने बताई है जिसे आप खाते ही कहें कि वाओ, ये बेकरी से कम नहीं है और आपको बेकरी जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काजू की कुकीज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम अमूल का बटर लिया है। आपके पास जो भी बटर अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये बटर रूम टेम्परेचर पर है। उसके बाद मैंने 1 कप मैदा लिया है। यहाँ मैंने 1 कप लिया है मैदा। उसके बाद मैंने चीनी का बोरा लिया है। अगर आपके पास चीनी का बोरा ना हो तो आप घर की पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी के बोरे से काफ़ी अच्छा कुकीज़ बनता है, इसके टेक्सचर अच्छे आते हैं। ये मैंने 1/4 कप लिया है। उसके बाद मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। उसके बाद वनीला एसेंस लिया है 1 टीस्पून, और कुछ कटे हुए काजू लिए हैं 2 बड़े चम्मच कुकीज़ बनाते वक्त के लिए, और कुछ मैंने खड़े काजू रखे हैं कुकीज़ पे गार्निश करने के लिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैंने एक खाली बाउल लिया है, उसमें मैं यहाँ अमूल का बटर डाल दूँगी। ये मेरा बटर जो है 100 ग्राम है और ये सॉल्टेड बटर है। अब मैं विस्क की सहायता से इसे पहले मैं अच्छे से तोड़ लूँगी ताकि इसको बीट करने में, यानी कि इसको मिक्स करने में सहायता मिल सके। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे, काफ़ी अच्छे से इसको बीट करेंगे ताकि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए, कहीं पे भी इसका लम्स ना रहे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें पाउडर शुगर डालेंगे, यानी कि चीनी का बोरा। फिर मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। उसके बाद इसको और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये पूरा फ्रॉथी ना हो जाए, मतलब जब ये फुल करके डबल ना हो जाए एकदम बटर क्रीम के तरह। इसको तब तक मिक्स करेंगे, इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देख सकते हैं इसे मिक्स करते करते मुझे 5 मिनट हो चुका है और ये फुल के डबल हो चुका है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको उठा करके चेक करेंगे। इसके इस टाइप के इसके पिक्स आने चाहिए, मतलब स्टिफ पिक्स आने चाहिए। अगर स्टिफ पिक्स आ रहा तो यानी कि आपका अच्छा है। अब मैं यहाँ पर छनी रखूँगी, उसमें मैं 1 कप मैदा डालूँगी, फिर 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी और इसे अच्छे से छान लूँगी। छानने से क्या होता है कि जो हमारा बेकिंग पाउडर और मैदा है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है और काफ़ी एयरी हो जाता है, जिसकी वजह से कुकीज़ बनाने में आसानी मिलती है। फिर इसमें 2 बड़े चम्मच मैं काजू डाल करके अच्छे से अपने साफ हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखें इसे मिक्स करना है, इसे आटे की तरह गूंदना नहीं है, ठीक है। इसे सिर्फ मिक्स करेंगे ताकि ये आटे के फॉर्म में आ जाए। तो इसे मिक्स एकदम सिर्फ मिक्स करते करते इसे आटे के फॉर्म में लाना। ये देखिए मैंने किस तरीके से मिक्स किया है और ये आटे की तरह बन चुका है। तो अब ये लगभग मेरा रेडी है। अब मैं इसे रोल करके इसे रख दूँगी और इसके बाद इसको आप चाहें तो अभी भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे फ्रिज में 15 मिनट रख करके या आधा घंटा रख करके ढक करके फिर बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब फ्रिज में ठंडा हो जाता है तब ये कुकीज़ बनाने में काफ़ी आसानी मिलती है और अच्छे से बन के आता है। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब मैं इसका ढक्कन हटा के देखती हूँ कि हमारा सेट हुआ है या नहीं सेट हुआ है कुकी डो। तो इसको चेक करने के लिए मैं इस पर उंगलियाँ डाल करके मैं प्रेस करूँगी। ये देखिए काफ़ी ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा नरम है, ये एकदम परफेक्ट टेक्स्चर है। तो अब मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे लिया है और कुकीज़ के आटे की मैं छोटे छोटे पोर्शन लूँगी, एकदम छोटे छोटे लड्डू के साइज़ का लोई लूँगी मैं और इसको रोल करूँगी। देखिए मैं किस तरीके से रोल कर रही हूँ और इस पर 1 काजू लगा लूँगी। ध्यान रखें इसे ज़्यादा प्रेस ना करें, ज़्यादा प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जब कुकीज़ बेक होगा तो ये पूरा फैल जाएगा। तो कुकीज़ को थिकनेस रखने के लिए इसको ज़्यादा प्रेस ना करें, एकदम हल्का प्रेस करें। और मैं इसी तरीके से दूसरी कुकीज़ बना रही हूँ, ऐसी छोटी लोई ले रही हूँ और उसको रोल करने के बाद इस पर 1 काजू लगा करके हल्का सा प्रेस करके रख दूँगी। अब दोनों को मैं अलग अलग एरिया में रख रही हूँ इसलिए क्योंकि जब ये कुकीज़ बेक होगा तो ये फूल करके बड़ा होगा, और जब फूल के बड़ा होगा तो ये आपस में ना चिपके, इसलिए मैं इसको दूरियाँ में रख रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने सारे कुकीज़ बना लिए हैं और हमारी कुकीज़ की ट्रे भी रेडी है। और ये जो आटा बच गया है कुकी का डो, आप इसे फ्रिज में रख करके आप दोबारा जब आपका मन करे तब बना सकते हैं।
तब हमारा कुकीज़ का ट्रे रेडी है। मैंने अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लिया है और इसे मैं बेक करूँगी एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। ध्यान रखें कि आपका ओवन अलग अलग टेम्परेचर बताता है। मेरा 15 मिनट में बेक होकर के रेडी हो चुका और देख सकते हैं ये कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका और एकदम थिकनेस पीस की अच्छी सही है। तो ये एकदम बेकरी स्टाइल है। अभी ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद मैं इसको एक बार आपको चेक करके दिखाती हूँ ये नीचे से कैसे बना है। ये ऊपर से ब्राउन है और नीचे से देखिए एकदम गोल्डन है, यानी कि एकदम बिल्कुल बेकरी स्टाइल बना है। तो लग रहा है ना भाई बेकरी स्टाइल जैसा कुकीज़, तो ये काफ़ी अच्छा बना है। और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है और मैं यहाँ आपको कुकीज़ तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए कितना आराम से टूट गया है और ये कितना मॉइस्ट है और अंदर से कितना अच्छे से पका है। तो ये कुकीज़ देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें ये ज़रूर खिलाएं ये कुकीज़, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। साथ ही साथ आप जब बनाएंगे तो आपको बेकरी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आपको जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी।